नेशनल डेलीगेशन फॉर माइनॉरिटीज राइट्स की तरफ से आए और आप सब के आने का बहुत बहुत शुक्रिया वाजा सब मित्रनु बुलांदा ए मकसद सी कितना नो है खुशखबरी दीती जाए ओ भाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक तरीकी फैसला दिता है जो साडे कायद मोहम्मद अली जिन्ना दी विजन दी अक्कासी करदा है जिस दे मुताबिक पाकिस्तान दा हर शहरी बराबर दा शहरी है ते बराबर दे हकूक रखदा है जी हाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मजहबी अकीदों को 5% जॉब कोटा रिजर्व किया गया है और आज हम ये बात आपको और मीडिया को बताना चाहते हैं हम ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो सीटें रिजर्व की हैं वो ना सिर्फ मजहबी अकलीतों को कौमी इदारे में शामिल करेंगे बल्कि वो कौमी तरक्की के लिए अहम किरदार अदा कर सकेंगे हम ये जो लॉबिंग कर रहे हैं इसलिए तो कह रहे हैं ताकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक कानून साजी कर सके और इसके ऊपर अमल दरामद कर सके आज एक बहुत खुशकिस्मत दिन है पाकिस्तान के तमाम सूबों ने मजहबी अकलियतों के लिए 5% जॉब कोटा रिजर्व कर दिया है तमाम पब्लिक और पब्लिक प्राइवेट इदारों को ये जरूरी है कि वो इश्तहारों में इसका जिक्र करें ताकि हम कम्युनिटी को आगाह कर सके और लोग इस कोटा से फायदा उठा सके रोजी है कदी दिहाड़ी लगे ते कदी ना लगे पर तुसी फिकर ना करो मैं गुरेज ना गल कीती है उन्हें आख्या कल मैं ना फैक्ट्री चली उथे नौकरी लवा दू ओ भी पक्की सैमुअल पुत्र तू अजे तक बैठे है काम ते नहीं गया ओ मां जी आज उस्ताद लेट आ रहा था मैं बस अभी निकलता हूं एक ऐन कड्डू है अठवीं क्लास तो आगे गया ही नहीं है ते मेरी धी मरियम मैनू पढ़न दा बड़ा ही शौक है कॉलेज तक पढ़ी पर आनी पढ़ाई करन दा भी की फायदा है जे घर बैठ के ट्यूशन ही पढ़ानी है ओहो मैं कोशिश तो कर रही हूँ पर एक जॉब है और हजार एप्लीकेशंस है खुदा बंदे चाह तो नौकरी मिल जाएगी तीए तेरे ते ही उम्मीद है तेनू कोई चंगी नौकरी लग जावे ते साडे भी घर दे हालात बेहतर हो जान इस बेरोजगारी च नौकरी कितों मिलनी ते तू ए बच्चे नु पढ़ा दी था ते ना ते स्कूल टर जा अजय आराम यहाँ क्या कर रही हो अभी तक इधर ही बैठी हो आज इंटरव्यू नहीं था तुम्हारा मैं जॉब के लिए अप्लाई की और आज इंटरव्यू भी है पर नौकरी मिलेगी या नहीं इतने सारे लोगों ने अप्लाई किया है मैंने आपको 5% जॉब कोटा के लिए बताया था माइनॉरिटीज का एप्लीकेशन में जिक्र किया है अखबार में तो कहीं भी जिक्र नहीं था इसका पर फिर भी मैंने मेंशन कर दिया अब देखते हैं कि वो मेरी एप्लीकेशन कंसीडर करते हैं कि नहीं उठो मेरे साथ चलो हम मिलकर उनसे बात करते हैं क्या पता कुछ बन जाए जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैंने देखा है तो आपके बात करने से उन्होंने जॉब कोटा को कंसिडर भी किया और मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल भी आ गई है शायद नौकरी अब मिल जाए फिक्र मत करो अगर खुदावंद ने चाहा तो जरूर मिलेगी मैं आज ये बताना चाहती हूँ कि कानून के मुताबिक तमाम पब्लिक और पब्लिक प्राइवेट इदारों पर यह फर्ज है कि वो इश्तहार में माइनॉरिटीज के लिए
5% जॉब कोटा का जिक्र करें, क्योंकि अगर ये सीट्स खाली रह जाएंगी, फिल नहीं होंगी, तो इनको कोई फिल नहीं करेगा। इसीलिए मैं खास तौर पर गुजारिश करती हूँ माइनॉरिटी यूथ से कि वो इस कोटा का फायदा उठाएं, ताकि वो भी पाकिस्तान के कारामद शहरी बन सकें।